नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम परवल की दो प्याजा सब्जी बनाने वाले हैं। आप चाहे तो दूसरा नाम भी दे सकते हो, वो भी मेरे स्टाइल में बनेगा जो बहुत ही टेस्टी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने परवल ले लिए, ये देखिए हमने काट के, कुछ तो मेरे सॉफ्ट बीज है इसमें और कुछ हार्ड है, तो जो हार्ड है हम उसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से इसके बीज निकाल लिए हैं। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। हमने जो हरे हरे धनिया के जो डंठल होते हैं ना, उनको ले लिए। इसको मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे छोटे छोटे काट के। हमने इसमें काट लिए, मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। और कुछ इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां 10-12 पीस, एक अदरक का टुकड़ा लेंगे, दो मिर्ची मैंने काट के डाले हैं, थोड़े से इसमें हम धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। डाल देंगे हम आधा चम्मच नमक। देखिए हमने मेन पेस्ट सा बना लिए हैं इसे। ये हम परवल को इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बाउल में। इसमें डाल देंगे हम एक जो धनिया के जो डंठल के पेस्ट बनाए थे ना, उसको 1 चम्मच डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने तवा ले लिया। तवे पे 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइंड डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा हमारा गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं दूसरे कढ़ाई ले ली, जब तक हमारा परवल फ्राई होता है तब तक हम इसमें भी 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप रिफाइंड डाल सकते हो। तो गरम होने देंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया और 1/4 चम्मच हम कलौंजी डाल देंगे, जो ऑनियन सीड्स भी बोलते हैं। इसे चटकने देते हैं। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, तो सेक लेते हैं अच्छा से। परवल भी एक तरफ गोल्डन हो चुका है, अब दूसरी तरफ हम इसे सेक लेंगे। हमारे प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाए थे ना, थोड़े से उसमें डाले थे धनिया के डंठल के, वो अब इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से हम सेक लेंगे। चलते हैं, हम देखते हैं हमारे परवल का क्या हाल है। फ्रेंड, जो बच्चे परवल नहीं खाते ना, वो भी ये सब्जी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वो भी मांग मांग के खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है सब्जी। परवल भी हो चुके हैं फ्राई, इसे निकाल लेते हैं हम इस बर्तन में। हाँ, इसी तवे पे हम ये पनीर के क्यूब से जो है इसको थोड़ा सा हल्के से सॉटे कर लेंगे। पनीर भी हमारा हल्का
ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। इसी में हम क्या करेंगे, हमने थोड़े से प्याज लिए इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए स्लाइसेस में, इसी को हम सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा। और ये बेल पेपर है उसको भी थोड़ा सा हम इसमें सॉटे कर लेंगे। हमारा प्याज भी सॉटे हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। इधर हमारे मसाले भी सीख गए, अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हम धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा कम पसंद करती हूँ धनिया पाउडर डालना। आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाले थे, तो ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप डाल दीजिए, ज़्यादा और डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, हमने बना के रखे थे दो टमाटर का, इसको इसमें डाल देते हैं। हमने नमक पहले भी सब चीज़ों में डाले हैं तो थोड़ा सा कम ही डालेंगे। टेस्ट करके आप डाल सकते हो, कितना आपको चाहिए तो और डाल सकते हो। मसाला को हम तेल छोड़ते तक, कढ़ाई का तेल छोड़ेगा तब तक हम इसे पका लेंगे अच्छे से, इसे डाल देंगे। हमारे मसाले में तेल छोड़ दिया, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये आधा कप दही। इसको हम तेज आंच में जल्दी जल्दी चला लेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा हमारा। अब इसको भी हम दही डालने के बाद भी थोड़ा सा अच्छा से पका लेंगे, नहीं तो दही का स्मेल आएगी। इसको थोड़ा देर और पकने देंगे हम, पाँच मिनट के लिए। मसाला चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सब मसाले का कलर आया है। अब हमारे मसाले पक गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे जो परवल हमने फ्राई करके रखे थे ना, उसको डाल देते हैं। परवल को सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे हम इसमें। परवल को सॉफ्ट होते तक हम इसे पका लेंगे। इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़े से गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें अभी और मसाले भी ऐड करेंगे। इसे पकने देंगे 5-5 मिनट। ये हमारे परवल थोड़े से सॉफ्ट हो गए, ये देखिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे इस स्टेज में जो हमने पनीर और प्याज हमने जो सॉटे करके रखे थे ना, उसको डाल देंगे थोड़ी सी 5-7 मिनट के लिए। थोड़ा सा पनीर में भी हम थोड़ा सा मसाला अब जो होने देंगे। अच्छा, तो हमारे सॉटे की हुई है पनीर, देखिए हमारी सब्जी कितनी लाजवाब बनी है। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट मसाला, वो सीक्रेट मसाला की रेसिपी मैं आपको किसी दिन बता दूंगी। फिर तो डालेंगे हम दालचीनी और छोटी इलायची का पाउडर एक चुटकी, फिर मेरे जो सीक्रेट मसाला है वो डाल दूंगी। एक चम्मच हम डाल देंगे बटर,
ये हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके रेडी हो गए। अब इसमें हम लास्ट क्या डालेंगे, इसमें आप धनिया पत्ती थोड़ा सा भी डालेंगे, थोड़ा बाद में हम गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ती से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ट्राई करके आप चेक ही लीजिए, ट्राई करने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो गया, अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। मैं इसे चपाती के साथ सर्व करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो रोट नान पराठे किसी चावल के साथ किसी के साथ भी आप खा सकते हो फ्रेंड। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी में, बाय बाय।